नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं दो बहुत अहम, बहुत ही प्रमुख घोषणाएं यानी अनाउंसमेंट करने वाली हूं। पिछली वीडियो में मैंने क्योंकि क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, तो मैं अभी आपको आपके कमेंट्स के उत्तर दे देती हूँ। सगुप्ता जी ने कहा है, शुक्रिया मैम, आप बहुत अच्छे से समझाती हैं, थैंक यू सगुप्ता जी। गोपाल गुप्ता जी ने कहा है, थैंक्स मैम, वेलकम सर। अनूप पांडे जी ने कहा है, थैंक्स मैम, वेरी वेलकम सर। महेंद्र यादव जी ने कहा है, मैं नमस्कार मैम, आप अपना मोबाइल नंबर भेजें, मैं आपको अपना मोबाइल नंबर देती हूँ सर। थोड़ा सा इधर व्यस्तता अधिक हो गई थी और तबीयत भी मेरी गड़बड़ हो गई थी, इसलिए दो दिन आप लोगों के साथ मैं नहीं आ पाई। महेंद्र यादव जी ने कहा है, नमस्कार मैम, बिल्कुल नमस्कार सर। प्रीतम पांडे जी ने कहा है, कमेंट का जवाब देने के लिए धन्यवाद, बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूजा तिवारी जी ने कहा है, थैंक यू मैम, वेलकम पूजा जी। दीपाली यादव जी, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। वैसे मेरा जो रिकॉर्डिंग होती है वो शाम को होती है। चलिए, थैंक्स, गुड मॉर्निंग। उपदीप कौर जी ने कहा है, थैंक्स मैम, वेलकम उपदीप जी। प्रांजल जी ने कहा है, थैंक यू मैम मेरा कमेंट पढ़ने के लिए, वेलकम, वेरी वेलकम सर। आप ही लोगों से ये यूट्यूब चैनल है, आप ही का चैनल है, साथ बनाए रखिएगा। रिद्धिका यादव जी, नाइस मैम, रिद्धिका जी थैंक यू। एजुकेशन मैम, प्लीज़ टेल मी द बेस्ट स्क्रीनिंग PGT बुक फॉर स्क्रीनिंग PGT। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि एक बार आप मेरी बुक ट्राई करिए। अभी तक जितने लोगों ने उसको ट्राई किया, उन्होंने उसको बेस्ट बुक ही बताया है। उसमें आप वो बुक आप ले लेती हैं तो नेट आपका JRF और PGT, इवन PGT के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बाद में मैंने उसका जो अनिवार्य संस्कृत का पोर्शन है वो भी कवर किया हुआ है। तो एक बार आप उसे लेके देखिएगा। अभी आप अल्पना चौधरी जी ने कहा है, थैंक्स मैम, वेलकम अल्पना जी। अब मैं आपको बता दूं कि मैं अभी क्या आपको दो अनाउंसमेंट करने वाली थी। दो अनाउंसमेंट ये है कि अब मैं डेली हफ्ते में एक दिन डे मैं आपको बताती हूँ, उस दिन जितना भी पढ़ाऊंगी उसका लाइव स्ट्रीम से आपके क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगी और टेस्ट लूंगी, और आई होप आप सभी उसमें जरूर से उपस्थित होंगे। मैं टाइम आपको बता दूंगी, वीडियो चैनल पे नोटिफिकेशन में आपको टाइम का पता चलता रहेगा। पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आज से ही इसकी शुरुआत करूँ। और दूसरी चीज, बुक के लिए मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो जिनको भी मेरी बुक का PDF चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी जो पुरानी बुक थी तथ्यपरक हिंदी साहित्य संकलन, वो ई बुक के रूप में 141 रुपये में आपको बेची जा रही है। वो एक्चुअली मैं नहीं हूँ, मेरी बुक की कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम्स हो गई थी, वो लोग अपने नाम पे बेच रहे हैं, इसलिए उसकी कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अगर आपको उसका अपडेटेड वर्जन लेना है तो उससे बहुत कम उसमें मैं आपको दे सकती हूँ। आप मेरे नंबर पे 7007459585 पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि आपको कैसे मिल पाएगी, ठीक है। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं, और मैं ये आप सभी से उम्मीद करूंगी कि आप सभी लोग लाइव स्ट्रीम में जरूर आएंगे, मेरे प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे, और धीरे धीरे वास्तव में बहुत मजा आने लगेगा। एक फैमिली की तरह हम लोग हैं। हम लोगों ने तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा था और पूरा नहीं हो पाया था एक वीडियो में, तो आज वहीं से शुरू करते हैं। साहित्य की भाषा में जो वीर गाथा काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ अपने पुराने रूप में ही रही, प्रचलित भाषा के संयोग से नया जीवन सगुणोपासक कवियों द्वारा प्राप्त हुआ। जब वीर गाथा काल के कवियों ने साहित्य की भाषा का प्रयोग किया तो उसके रूप में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया, उसको परिष्कृत या परिमार्जित करने की कोशिश नहीं की, जिस तरह से था वो अपने पुराने रूप में ही बना रहा। कब? वीर गाथा काल में, ठीक है। प्रचलित भाषा के संयोग से नया जीवन, मतलब उसी प्रचलित भाषा के संयोग से, मतलब उसी को मिला के एक नया जीवन भाषा को किसने दिया? सगुणोपासक कवियों ने, मतलब जो सगुणोपासक शाखा के कवि थे, जो ईश्वर को साक्षात मानकर उनकी पूजा करते थे, उनको मानते थे, उन लोगों ने
ईश्वर को एक प्रतिष्ठित रूप दिया, समाज में उनका रूप साकार रूप सबके सामने प्रस्तुत किया, साथ में ही भाषा को भी उन्होंने नया जीवन दिया। भक्तवर सूरदास जी की ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चलती आई हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार में ले आए। ठीक है, सूरदास जी ने क्या किया, जो परंपरा से चलती हुई काव्य भाषा जो परंपरा से चलती हुई आ रही थी, है ना, उसके बीच में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके काव्य भाषा को, और जो साहित्यिक भाषा थी उस समय की, जो साहित्यिक भाषा थी जिसका लोक व्यवहार में नहीं प्रयोग होता था, उन्होंने दोनों का मेल कर दिया। ठीक है, और उसको लोक व्यवहार में ले आए, काव्य भाषा को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार में, मतलब लोगों के बीच में ले आए। उन्होंने परंपरा से चली आई हुई भाषा का तिरस्कार न करके उसे एक नया प्रचलित चलता रूप दिया। जो परंपरा से काव्य भाषा चली आ रही थी उन्होंने उसको तिरस्कार नहीं किया, उनको उसको छोड़ा नहीं, उसको अपनाया, लेकिन उसको एक नया रूप दे दिया, ऐसा रूप जो सामान्य लोगों के लिए भी सर्वप्रिय हो गया। सूरदास जी को ध्यान पूर्वक देखने से उनमें क्रियाओं के कुछ पुराने रूप, कुछ सर्वनाम जैसे जासु तासु जेहीं तेहीं तथा कुछ प्राकृत के शब्द पाए जाएंगे। उन्होंने हर एक से जो कुछ सहज था, जो कुछ सरल था, उसको ले लिया। जासु तासु या क्रिया के कुछ पुराने रूप, सर्वनाम, मतलब ये सब उसमें आपको मिल जाएंगे। सारांश ये है कि वे परंपरागत काव्य भाषा को बिल्कुल अलग करके एक बार ही नई प्रचलित बोली लेकर नहीं चले, मतलब परंपरा के रूप में जो काव्य भाषा चली आ रही थी उसको एकदम नहीं छोड़ा, कि उसको एकदम से छोड़ के एक बार की जो लोक व्यवहार में प्रचलित बोली थी उसको उठा लिया हो, ऐसा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सबको मिला के लिया। भाषा का एक शिष्ट सामान्य रूप उन्होंने रखा, है ना, जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता रहा। सूरदास जी ने एक शिष्ट सामान्य रूप रखा और जिसका जो व्यवहार था वो आगे भी कविताओं में होता रहा। ये तो ही ब्रजभाषा की बात, इसके साथ ही पूर्वी बोली या अवधी भी साहित्य निर्माण की ओर अग्रसर हो चुकी थी उस समय तक, है ना। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अवधी की सबसे पुरानी रचना ईश्वरदास की सत्यवती कथा है। मैंने पिछले वीडियो में आपको सत्यवती कथा की पूरी कहानी भी सुनाई थी ताकि आपके दिमाग में वो बनी रहे। आगे चलकर प्रेम मार्गी शाखा के मुसलमान कवियों ने अपनी कहानियों के लिए अवधी भाषा ही चुनी। जो प्रेम मार्गी शाखा इसके पहले आपने पढ़ी थी, उन मुस्लिम कवियों ने क्या किया था, उन्होंने अपनी कहानियों के लिए अवधी भाषा ही चुनी थी। सूरदास जी ने ब्रजभाषा चुनी थी, इन्होंने अवधी भाषा ही चुनी थी। कई बार कोर्ट में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय में काव्य भाषा के दोनों प्रचलित रूप पाए, पर एक ब्रज और दूसरी अवधि। मतलब जब तुलसीदास जी का समय आया तो उनको उस समय दो रूप भाषा के काव्य के लिए प्रचलित मिले। एक जो आपके प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे वो किसमें, अवधि भाषा में काव्य कर रहे थे। दूसरा ये जो आपके सूरदास जी हैं और उनके उस शाखा के कवि थे वो किसमें, ब्रज भाषा में कविता कर रहे थे। दोनों में उन्होंने समान अधिकार से के साथ रचनाएं की, मतलब उन्हें दो रूप मिले और उन्होंने दोनों भाषाओं में समान रूप से रचनाएं की। भाषा पद्य के स्वरूप को लेकर, भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी, जिनमें से ये मुख्य हैं। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखना शुरू किया या जब उनका समय था, तो जब अगर हम भाषा की शैली की बात करते हैं, है ना, एक भाषा हो गई, एक भाषा की शैली यानी कि उसके किस तरह से उसको लिखा जाता है, तो उसमें जो प्रचलित थी वो थी वीर गाथा की छप्पे पद्धति। वीर गाथा काल में छप्पे पद्धति में रचनाएं होती थी, एक तो वो समय प्रचलित थी। विद्यापति और सूरदास जी की गद्य पद्धति,
दूसरी तरफ विद्यापति जी है ना और सूरदास जी गद्य नहीं सॉरी गीत पद्धति गीतों की पद्धति में रचनाएं कर रहे थे, एक ये प्रचलित मिली उन्हें। तीसरा गंग आदि भाटों की कवित्त सवैया पद्धति, और तीसरा जो गंग लोग थे भाट लोग वो क्या करते थे, वो कवित्त सवैया पद्धति कर रहे थे, पद्धति में रचनाएं कर रहे थे। चौथा कबीर दास जी की नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आ रही थी, ठीक है, कबीर दास जी ने दोहा पद्धति में रचनाएं की थी, कब से चली आ रही थी, दोहा में है ना। ईश्वर दास जी की दोहा चौपाई वाली पद्धति, इस तरह ये पांच पद्धतियां प्रचलित थी, ठीक है। एक तो वीर गाथा काल की छप्पे पद्धति, दूसरी पद्धति पे अगर हम जाते हैं तो विद्यापति की सूरदास जी की गीत पद्धति, फिर हम बात करते हैं तो जो गंग और भाट थे वो कवित्त सवैया पद्धति अपनाते थे। इसके बाद अगर बात करते हैं तो कबीर दास जी की नीति संबंधी जो दोहा वाली पद्धति थी है ना, और उसके अलावा ईश्वर दास जी की दोहे और चौपाई वाली पद्धति। इस प्रकार काव्य भाषा के दो रूप और रचना की पांच प्रमुख शैलियां, ये जरा आप बिंदु को याद रखिएगा, अभी तक तो शायद नहीं पूछा गया है लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा। इस प्रकार काव्य भाषा की दो रूप प्रचलित थे सूरदास जी के समय पे और पांच मुख्य शैलियां साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। सूरदास जी के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी है ना। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी इन सभी के जो सौंदर्य था उसकी पराकाष्ठा दिखाई अपनी वाणी द्वारा, ठीक है, और साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनकी ब्रज और अवधी भाषा दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। भाषा का जो माधुर्य हम सूरदास जी में पाते हैं वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि जो गीतावली हैं और जो कृष्ण गीतावली हैं उनकी भाषा क्या है, उनकी भाषा ब्रज है। कहा जा रहा है ना भाषा ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में कृष्ण गीतावली और गीतावली में पाते हैं। ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी के पद्मावत में मिलती है ना, हमें जायसी के पद्मावत में मिलती वही जानकी मंगल पार्वती मंगल और बर्वे रामायण और रामलला नहछू में हम पाते हैं, ठीक है। जितने अच्छे से जायसी ने ठेठ अवधि में लिखा था पद्मावत में वैसा ही सुंदर रूप हमें कहाँ मिला, जानकी मंगल पार्वती मंगल बर्वे रामायण और रामलला नहछू, चार आपने देखी। दो जहाँ गीता की बात आई, अब इसको आप ऐसे जोड़ सकते हैं, सूरदास जी ने कृष्ण की बात की, कृष्ण जी के भक्त थे, और गीतावली दोनों में गीता आ रही है ये भी कृष्ण से रिलेटेड है, ये सब चला गया आपके ब्रज भाषा में। सूरदास इस तरह से आपको भाषाएं याद रहेंगी, तो जो आपकी तुलसीदास जी की कृष्ण गीतावली और गीतावली है कृष्ण जी से संबंधित हैं, गीता आई है इसलिए मैं याद कराने के लिए कह रही हूँ, ये हो गई ब्रज भाषा की। अब अगर ठेठ अवधि की बात करते हैं तो जानकी पार्वती रामायण और राम, जहाँ पे भी राम ईश्वर का जिक्र हुआ राम प्रभु का जिक्र हुआ भगवान राम का वो सब चली गई अवधि में। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना ही जायसी का ब्रजभाषा पर, प्रचलित रचना शैलियों पर भी उनका इसी प्रकार पूर्ण अधिकार हम पाते हैं। ऐसे ही नहीं तुलसीदास जी को एकदम ऊपर बैठाल दिया गया है, वास्तव में वो प्रतिभा के धनी थे। वीर गाथा काल के छप्पे पद्धति पर इनकी थोड़ी रचना है पर इनकी निपुणता पूर्ण रूप से प्रचलित होती है, रचनाएं थोड़ी है लेकिन निपुणता प्रचलित होती, देखते हैं। कतहु विटप भूधार
उपारी पर सेन बरखत कतहु बाज सो बाज मर्द गजराज करखत चरण चोट चटकन चट चकोट अरे उर बिज बज्जत बिकट कटक बिदरत बीर बारिद जिम गच्चत। याद रखिएगा ये किसकी पंक्तियां हैं, तुलसीदास जी की, गलती मत करिएगा। लंगूर लपेटत पटक भट्ट जयति राम जय उच्चरत तुलसीस पवन नंदन अटोल अटल जुद्ध क्रुद्ध कौतुक करत दिगत उर्व अति गुर्व सर्व पब्बे समुद्र सर प्याल बधिर तेहिकाल विकल दिगपाल चराचर दिग्गयंत लर खरत परत दस कंठ मुख भर सुर विमान हिम भानु घट संगटति होत परस्पर चौके बिरंचि संकर सहित कोल कमठ अहि कलमल्यो ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जबहि राम शिव धनु दल्यो। विद्यापति और सूरदास जी की गीत पद्धति पर इन्होंने बहुत विस्तृत और बड़ी सुंदर रचनाएं की हैं। सूरदास जी की ये रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वजह से वो विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में है। मतलब विद्यापति और अभी पद्धति आपको ये ऊपर दिखाई गई कि वीरगाथा काल की छप्पे पद्धति आपने देखी। अब दूसरी शैली की बात करें, विद्यापति और सूरदास जी के गीत पद्धति पर इन्होंने बहुत विस्तृत और बड़ी सुंदर रचना की। उसमें तो थोड़ा ही लिखा था, विद्यापति और सूरदास जी की पद्धति पर बड़ी विस्तृत और बड़ी सुंदर रचना की। सुंदरदास जी की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में है। दोनों भक्त शिरोमणियों की रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य है। ये कूट में आपसे पूछा जा सकता है, दोनों भक्त शिरोमणि थे, उनकी रचनाओं में ये प्रमुख भेद था, इम्पोर्टेंट है और इस बात पर ध्यान अवश्य जाता है। ठीक है, क्या फिर से मैं आपको बता दूं क्या ध्यान देने योग्य है, मतलब क्या अंतर था कि सूरदास जी की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वो विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी दास जी की रचनाओं में है। पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इनके पदों में शुद्ध भाषा का माधुर्य नहीं है, दुःशुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं है। इन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया है। विनय पत्रिका के प्रारंभिक स्रोतों में तो संस्कृत पद विन्यास है, उसमें गीत गोविंद के पद विन्यास से इस बात की विशेषता है कि वह विषम है और रस के अनुकूल कहीं कोमल और कहीं कहीं कर्कश देखने में आता है। हृदय की विविधता भावों की व्यंजना गीतावली के मधुर पदों में देखने योग्य है। कौशल्या के सामने भरत अपनी आत्मग्लानी की व्यंजना किन शब्दों में करते हैं देखिए। जो हम मात मते मह हों जो जननी जग में या मुख की कहा कलिमा धोए हों क्यों हों आज होत सुच सपथनी कौन मानी है साची महिमा मृगी कौन स्वीकृति की खल बच विशेषहि बाची। इस प्रकार चित्रकूट में राम जी के सम्मुख जाते हुए भरत की दशा का भी बड़ा सुंदर वर्णन है। बिलोके दूरिते दो वीर मन आंगहुन तन पुलिख शिथिल भयो नयन नलिन भरे नीर गड़त गोड़ मनो संकुच पंक मा कढ़त प्रेम बल धीर। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने तुलसीदास जी के अनुकरण पे की, सॉरी गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की। बाल लीला के कई पद च्यों के त्यों सूरदास सागर में भी मिल जाते हैं, केवल राम श्याम में अंतर है। मतलब सूरदास जी ने श्याम लिखा है और तुलसीदास जी ने गोस्वामी जी ने राम कर दिया है। लंका कांड तक तो कथा की अनेक रूपता के अनुसार मार्मिक स्थलों का चुनाव हुआ है, वह तुलसीदास जी के सर्वथा अनुरूप है। पर उत्तर कांड में जाकर सूर पद पद्धति की अतिशय अनुकरण के कारण उनका गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है
कि आज भी अगर बहुत बारीकी से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो उत्तरकांड है वो तुलसीदास जी का स्वयं रचित नहीं है, प्रक्षेपित है। और रामचंद्र शुक्ल जी भी यहाँ पे इस बात को मान रहे हैं कि जब तक लंका कांड था तब तक तो जो भाषा थी, जो मार्मिक स्थल थे, जो शैली थी, वो तुलसीदास जी के सर्वथा अनुरूप थी, लेकिन जब उत्तरकांड की बात आई तो अब ये उस समय शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया हो या जो भी हो, ये कह रहे हैं कि सूरदास पद्धति की अतिशय अनुकरण के कारण उनका जो अपना गंभीर स्वभाव था वो तिरोहित सा हो गया, कहीं गुम सा हो गया, खत्म सा हो गया। जिस रूप में राम को उन्होंने सर्वत्र लिया है उसका भी ध्यान उन्हें नहीं रह गया है। तो इतनी बड़ी रामचरितमानस लिखने के बाद उसमें 7 कांड में 6 कांड में उन्हें ध्यान रह गया, और वो भी शुरू के, और एक आखिरी कांड में ध्यान ना रह गया, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि जितनी वो जिस प्रतिभा के वो धनी थे उनके लिए ये थोड़ा सा विचित्र ही लगता है। सूरदास जी में जिस प्रकार गोपियों के साथ में कृष्ण हिंडोला झूलते हैं, होली खेलते हैं, वही करते राम भी दिखाए गए, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं हमारे मन को खटकती है कि ये थोड़ा सा विचित्र है कि जहाँ पर आपके सूरदास जी, तुलसीदास जी इतने गंभीर व्यक्तित्व के स्वामी थे, उन्होंने 6 कांड में जिस तरह से राम के चरित्र को उकेरा है, इतना सुंदर रूप दिया है कि मतलब आज भी हमारे सबके आदर्श हैं वो, उसके बाद उत्तरकांड में आकर उनका इस तरह का रूप, तो इस कई लोगों का मानना है, कई विद्वानों का मानना है कि जो उत्तरकांड है ये बात का प्रक्षेपित है, ये स्वयं तुलसीदास जी का लिखा नहीं है। इतना अवश्य है कि सीता की सखियों और पुरनारियों का राम की ओर पूज्य भाव ही प्रकट होता है। ठीक है, राम की नक्षिक शोभा का अलंकृत वर्णन भी सूर्य की शैली में बहुत पदों में लगातार चला गया है। सरयू तट पर इस आनंदोत्सव को आगे चलकर रसिक लोग क्या रूप देंगे, इसका ख्याल गोस्वामी जी को ना रहा। मतलब उन्होंने तो जरा किसी भाव में थोड़ा सा लिख दिया, लेकिन जो रसिक लोग हैं वो आगे चल के इसको किस रूप में ले जाएंगे, ये तुलसीदास जी ने उत्तरकांड को लिखते टाइम नहीं सोचा, ये तो रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। ये बात हो गई दूसरी शैली की। अब अगर हम बात करें गंग आदि भाटों की कवित्व सवैया पद्धति की, तो सवैया पद्धति पर इसी प्रकार का सारा रामचरित मानस गोस्वामी जी कह गए, जिसमें नाना रसों का सन्निवेश अत्यंत विशद और अत्यंत पुष्ट और स्वच्छंद भाषा में मिलता है। नाना रसमयी राम कथा तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार की रचनाओं में की है। कवितावली में रसानुकूल शब्द योजना बड़ी सुंदर है, जो तुलसीदास जी की ऐसी कोमल भाषा का व्यवहार करते हैं, है ना। ये पद तो सभी को याद ही होगा। राम को रूप निहारत जान की कंगन की नग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई कर रे तेरी रही पर तारति नाई। गोरो गरूर गुमान भरो यह कौशिक छोटो सो ठोड़ो है का, गोरो गरूर गुमान भरो यह कौशिक छोटो सो टोढ़ो है काको, जल जल को गए लखन है लरिका, परिखो पी छा घरिक है हमें ठाड़े। पोछ पसेऊ बयारी करम अरु पाए पखारे हूँ भुभुरी ढाड़े, वे ही वीर और भयानक रस के प्रसंग में ऐसी शब्दावली का व्यवहार करते हैं। यहाँ शब्दावली देखने लायक है, वो देखिए कोमल भाषा का था, और यहाँ पे देखिए जब भयानक और वीर रस की बात होती है तब किस तरह के शब्दों का चुनाव वो करते हैं, किस तरह की शब्दावली ले लेते हैं। प्रबल प्रचंड बरिबंड बाहु दंड वीर, धाय जानु धान हनुमान लियो घेरी के, महाबल पुंज कुंज रारी ज्यो गरज भट, जहां तहां पट के लंगूर फेरी फेरी के। सब कितना मतलब उसी हिसाब से भाषा का भी चुनाव इन्होंने किया है। उसी हिसाब से भाषा का चुनाव इन्होंने किया है, ठीक है। मारे लात गोर तोरे गात भागे जात हाहा खात, कहे तुलसी सीस सखी राम सो तेरी के, ठहर ठहर पड़ी कहरी कहरी उठे, हहरी हहरी हर सिद्ध हे हंसे हेरी के।
बाल दि विशाल बिकराल ज्वाल लाल मानो लंक लीली बे को काल रसना पसारी है कींदो व्योम वीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु वीर रस वीर तलवारी से उघारी है। ठीक है, ये हो गई तीसरी शैली। अब तुलसीदास जी की चौथी शैली की बात करते हैं। नीति के उपदेश सूचित पद्धति पर बहुत से दोहे रामचरितमानस और पदावली में भी मिलेंगे, जिनमें बड़ी मार्मिकता से और कहीं कहीं बड़ी रचना कौशलता से व्यवहार की बातें कही गई और भक्ति प्रेम की मर्यादा दिखाई गई है। रीझ अपनी बूझी पर खीज विचार विहीन ते उपदेश नमा नहीं मोह महोदधि मीन लोगन भलो मानव जो भलो लोन की होन की आस करत गगन की गेंडुआ सौसठ तुलसी दास की तो ही लागहीं राम प्रिय की तुम राम प्रिय होई दुई माह रुचे जो सुगम सोई की बे तुलसी तोहिबा। ठीक है, ये चौथी पद्धति। अब पांचवी पद्धति की बात करते हैं। जिस प्रकार चौपाइयों दोहे के क्रम में जायसी ने अपना पद्मावत का प्रबंध काव्य लिखा, उसी क्रम पर गोस्वामी जी ने अपना परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार बनना चला आता है, रचा। भाषा वही अवधि है, केवल पद विन्यास का भेद है। गोस्वामी जी शस्त्र परंपरागत विद्वान थे, अतः उनकी शब्द योजना साहित्यिक और संस्कृत गर्भित है। जायसी में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है, पर गोस्वामी जी ने की रचना में संस्कृत की कोमल पदावली भी बहुत ही मनोहर कम भी बहुत मनोहर मिश्रण है। नीचे दी हुई कुछ चौपाइयों में दोनों भाषाओं का भेद स्पष्ट देखा जा सकता है। पहले बात करते हैं तुलसीदास जी की, फिर जायसी जी की। जब हुंत कहिगा पंख संदेश सुनो की आवा है परदेसी तब हुंत तुम बिन रहे न जीव चातक भयं कहत पियू पियू भयं बिरह जरी कोयल कारी डार डार की कू की पुजारी। अब जायसी, अच्छा ये ऊपर की जायसी के थे, अब बात करते हैं तुलसीदास जी की। अमीय मुरी मय चूरन चारु सकल समन सकल भव रुज परिवारु सुकृत संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनतन मंज मुकुर मलहरनी किए तिलक गुण गन बस करनी। ये पंक्तियां आपको याद होंगी भी और याद रहनी भी चाहिए, क्योंकि पूछी भी बहुत ज्यादा जाती हैं। अब एक बात आप ध्यान दीजिए कि आप ये मत सोचिए कि आपको रामचरितमानस की पूरी पंक्तियां याद होनी चाहिए। ज्यादातर पंक्तियां परीक्षाओं में वही पूछी गई हैं जो रामचंद्र शुक्ल जी ने उदाहरण स्वरूप अपनी पुस्तक में दी हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो दी हैं वो आपको अवश्य याद होनी चाहिए। जरा सा सारांश है, देख लेते हैं क्या कहा। सारांश यह है कि हिंदी की काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। हम गोस्वामी जी के वर्णित विषय के विस्तार का विचार करेंगे। यह विचार करेंगे कि मानव जीवन की कितनी अधिक दशाओं का सन्निवेश उनकी कविता के भीतर है। इस संबंध में हम ये पहले ही कह देना चाहते हैं कि अपनी दृष्टि विस्तार के कारण तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज। भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो वो इन्हीं महानुभाव को, और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले हैं, जैसे वीर काल के कवि उत्साह को, भक्त काल के कवि दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान को, अलंकार के काल के कवि दाम्पत्य प्रणय या श्रृंगार को, पर इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। एक और वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विराग पूर्ण शुद्ध भगवद गीता का उपदेश करती है, और दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुक्त करती है। व्यक्तिगत साधना के साथ साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्जवल छटा उसमें वर्तमान है। ये इसमें पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा किसके बारे में कही गई है। वैसे मुझे लगता है कि इतना पढ़ने के बाद आपको
खुद ही याद हो जाएगा कि ये पंक्ति किसके बारे में कही गई है। आपको बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने देखा कि सूरदास जी के तुलसीदास जी के बारे में उन्होंने कहा है कि उन्हीं की पहुंच मनुष्य के सारे भावों तक है, और किस तरह से उन्होंने पांचों शैलियों का और दोनों उस समय की प्रचलित भाषाओं का समन्वय अपने काव्य में किया। अगर ये चीज़ आपको याद रहती है तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई भी अगर लाइन एक पूछ दी जाए तो आप उसमें गलत करेंगे। ध्यान रखिएगा, लाइव में जब क्वेश्चन आंसर पूछूंगी तो आप सभी का सहयोग उसमें अपेक्षित है, आप सभी लोग जरूर आइएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।